Now, after seeing four of the acts, in which two were very important, one regulating act and the other Pitt's India Act. So, after seeing the four of the acts, now we move on to the Charter Acts. So, there is a whole series of the Charter Acts that we have to do, amongst which, again, a couple of them are important, which I'll be telling you alongside with the help of the PYQs. बट फर्स्टली वी नीड टू अंडरस्टैंड कि आखिर ये चार्टर क्या होता है. लाइक सडनली वाई डिड वी हैव द चेंज इन द नेम ऑफ द एक्ट. ठीक है, दैट शुड बी योर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ अंडरस्टैंडिंग. नो यू हैव टू अंडरस्टैंड इट इज़ अबाउट ऑफिशियली ग्रांटिंग सम अथॉरिटी और राइट टू समबडी. ठीक है, सो इवन दो लाइक एक शुरू में आपको चार्टर याद होगा 1600 वाला, विच द EIC गॉट फ्रॉम द क्वीन, कि आपके पास एक्सक्लूसिव ट्रेडिंग राइट्स हैं ओवर द ईस्टर्न टेरिटरी, राइट. तो वहाँ क्या था, ऑफिशियली दे वर ग्रांटेड द अथॉरिटी दैट यू एक्सक्लूसिवली कैन ट्रेड इन द ईस्ट. देन उसके बीच में कुछ कुछ चेंजेस लाने की कोशिश की गई ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, अपने कंट्रोल में लाने के लिए कुछ चेंजेस करे. अब बात आती है कि फिर उन्होंने बोला कि अब जो कंट्रोल था ईस्ट इंडिया कंपनी का, उसको हर 20 20 साल के लिए इनको रिन्यू करना था. ठीक है, कि 20 साल के लिए हमने आपकी एक्सक्लूसिव पावर और बढ़ा दी, जो टेरिटोरियल पोजेशंस हैं जिन पर आप कर रहे हो काम, उस पर करते रहो और 20 साल, फिर 20 साल, फिर 20 साल, ऐसे करते चले गए. ठीक है, सो दिस वॉज अबाउट दी ऑफिशियली ग्रांटिंग दी अथॉरिटी और द राइट. तो यहाँ से क्या होता है कि एवरी 20 ईयर्स यू विल फाइंड द रिन्यूअल. जैसे कि 1793 से शुरू हुआ, 1813 हुआ, 33 हुआ एंड 53 हुआ, 20 20 ईयर्स. बट यहाँ से बीच में कुछ चीज़ें चेंज हो गई. बीच में आ गया 1857 रिवोल्ट, जिसके वजह से अलॉट मेनी थिंग्स चेंज एंड देन वी हैड द एक्ट ऑफ 1858. तो वो कहानी तो खैर क्या थी वो हम बाद में देखेंगे, बट देन चार्टर एक्ट्स में हमें ये चारों कवर करने हैं. ठीक है, कैसे कैसे इंपॉर्टेंस होती चली गई, बढ़ती चली गई, वो हम ट्रेस करेंगे अभी. तो फर्स्टली विल सी 1793. नो फ्रॉम द PYQ परस्पेक्टिव ओनली वन क्वेश्चन आई कुड फिगर आउट विच वॉज आस्ड इन CSE 2000, बट दैट इज़ मोर अबाउट द जुडिशियरी सेक्शन. तो अभी चूंकि हमने जुडिशियरी नहीं करा है, उसको वहीं करना बेहतर होगा, बिकॉज अदरवाइज इफ़ यू ट्राई टू डू इट फ्रॉम द एक्ट परस्पेक्टिव आप आंसर नहीं निकाल पाओगे. सो इट्स ओके, विल डू इट जब हम जुडिशियरी करेंगे. अपार्ट फ्रॉम दैट देर वॉज नो PYQ एज सच फ्रॉम दिस एक्ट, बट देर वॉज सर्टन इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट हैपेंड हियर. तो उसको जल्दी से हम क्विकली समराइज करते हैं. फर्स्टली तो ऑफकोर्स इट वॉज द 20 ईयर रिन्यूअल फॉर द ईस्ट इंडिया कंपनी. सेकेंडली कि ओवर रूलिंग ऑफ काउंसिल वाली जो चीज़ थी, दैट द गवर्नर जनरल कैन ओवर रूल द काउंसिल, विच वॉज ग्रांटेड टू लॉर्ड कॉर्नवालिस वाया दिस एक्ट 1786, एंड फर्दर इट वॉज ग्रांटेड टू ऑल द अदर गवर्नर जनरल्स वाया दिस एक्ट. तो वन वॉज अबाउट द ओवर रूलिंग द काउंसिल. ठीक है, गवर्नर जनरल काउंसिल. देन इट वॉज ऑल्सो सेट कि हम क्या करेंगे, रेगुलर कोड ऑफ जो भी रेगुलेशंस होने हैं, जो भी लॉज हम बना रहे हैं, सब कुछ उसको एक अच्छे से कोडिफाई करके एक कोड बना देंगे. उसके अलावा क्या होगा, जो कोर्ट्स होंगे दे विल इंटरप्रेट दोस रेगुलेशंस, जो आज भी कोर्ट का काम होता है. ठीक है, बट ये सब छोटी छोटी चीज़ें तो आप बस सुनते जाइए, एग्जाम के हिसाब से जो ज़रूरी होगा आई जस्ट इन्फॉर्म यू. एक और चीज़ बोली गई कि अगर हम अपॉइंटमेंट की बात करते हैं गवर्नर जनरल या कमांडर इन चीफ की, तो उसके लिए अप्रूवल की ज़रूरत पड़ेगी. तो किसी भी तरीके की, इस तरीके के अपॉइंटमेंट फॉर द स्पेशल डिग्निटरीज लाइक गवर्नर जनरल एंड ऑल, यू नीड कंटिन्यूस अप्रूवल, लाइक रॉयल अप्रूवल आपको चाहिए होगा. ऑल्सो अगर कोई भी सीनियर EIC ऑफिशियल इंडिया छोड़ने की बात करता है, ठीक है, इफ़ दे लीव इंडिया विदाउट परमिशन, तो इसको हम रेजिग्नेशन मान लेंगे. मतलब ये नहीं कि आप जब मन करे वहाँ से हट जाओ और इंग्लैंड वापस आ जाओ और फिर भी आप वहाँ के ऑफिशियल कहलाओगे, ऐसा नहीं होगा. इफ़ यू लीव इंडिया विदाउट परमिशन यू विल बी कंसिडर्ड एज रिजाइंड फ्रॉम दैट. ठीक है, देन एक और चीज़ बोली गई कि EIC जो है वो एक लाइसेंस काइंड ऑफ चीज़ ग्रांट करेगी. अब लाइसेंस या परमिशन, प्रिविलेज, कुछ भी कह लीजिए, किस चीज़ के लिए, ट्रेड करने के लिए. किसको करेगी, इंडिविजुअल्स को भी कर सकती है और ईस्ट इंडिया कंपनी के जो एम्प्लॉय हैं उनको भी. तो ट्रेडिंग प्रिविलेजेस जो टर्म आपने आगे भी सुनेंगे, आप हिस्ट्री में आपने सुना भी होगा, उसकी बात यहाँ पर की गई. ठीक है, तो यहाँ से क्या होने लगा कि एक रास्ता ज़्यादा खुलता चला गया इजी ट्रेडिंग का. और एक और चीज़ बोला गया कि रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन और जुडिशरी का जो फंक्शन रहेगा वो अलग हो जाएगा.
वो सेपरेट हो जाएगा. तो इसमें बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं था, दिस वॉज जस्ट अ क्विक ओवरव्यू. अब जो अगला आता है 1813, और दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट टू अंडरस्टैंड दिस डेफिनेटली हमें थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड समझना होगा. तो 1813 समझने से पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं. वहाँ पे क्या हुआ, 1808 में फिर से एक इन्वेस्टिगेटिंग कमिटी बैठाई गई. ठीक है, ये इन्वेस्टिगेटिंग कमिटी, ताकि हम देखें, जैसे एक बार पहले भी बैठाई गई थी 1773 के पहले, कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो भी अफेयर्स हो रही है इंडिया में उसको थोड़ा चेक कर लेते हैं. अब उसी टाइम पे इफ़ यू रिमेंबर अबाउट एडम स्मिथ, कि उन्होंने फ्री ट्रेड की बहुत बात करी थी शुरू में, ये चीज़ें अब और ज़ोर पकड़ रही थी कि सबको जो है वो फ्री ट्रेड का मौका मिलना चाहिए. दूसरी बात, उस समय ब्रिटेन में बहुत सारे ऐसे रिफॉर्मिस्ट भी थे, पॉलिटिशियंस भी थे, एवरीवन वाज टेलिंग दैट वी शुड हैव अ कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, और उनकी जो मोनोपोली है एक्सक्लूसिव ट्रेडिंग वाली, उसको हटाना चाहिए. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो चल रही थी, सो देयर वॉज अ वेरी मच डिमांड कमिंग फ्रॉम द ब्रिटिश पीपल दैट देयर शुड बी रिमूवल ऑफ द मोनोपोली ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी. तो जो चार्टर एक्ट आया 1813 का, ऑफकोर्स एक तो उससे रिन्यूअल हो ही गया 20 ईयर के लिए, लेकिन दिस अबॉलिश्ड. तो ये जो रिन्यूअल हुआ वो किस चीज़ का हुआ, कि आपकी जो टेरिटरी है, मतलब ब्रिटेन की, अब तो जो ब्रिटेन की टेरिटरी कहलाएगी इंडिया में, उस पर ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे काम कर रही है वो कर सकती है. ठीक है, आप ही के पास अधिकार है, लेकिन जो आपकी ट्रेड मोनोपोली थी, ठीक है, उसको हम ख़त्म कर रहे हैं. ये ट्रेड मोनोपोली ख़त्म की गई एक्सेप्ट, सो देयर वाज टू एक्सेप्शंस, अगर चाय में ट्रेडिंग हो रही है या चाइना के साथ ट्रेडिंग हो रही है. ठीक है, उसको छोड़ करके, तो ये दोनों चीज़ सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी, बट रिमेनिंग जो भी ट्रेड होगा दैट वाज नाउ ओपन्ड टू ब्रिटिश, ऑल द ब्रिटिश मर्चेंट्स एंड नॉट ओनली ईस्ट इंडिया कंपनी. ठीक है, तो यहाँ से बहुत सारे PYQ बनते हैं. आई विल जस्ट ट्राई टू हेल्प यू आउट विद अ कपल ऑफ देम. जैसे कि एक पॉइंटर यहाँ से यही बन जाता है कि विच एक्ट, वो आपको अब, क्योंकि यहाँ पे कन्फ्यूजन के बहुत चांसेस है. इन द ऑप्शन दे विल गिव यू ऑल द चार्टर एक्ट्स, लाइक यू नो 1793, 1813, 33, 53, सो ऑल साउंड्स वेरी सिमिलर एंड यू गेट कन्फ्यूज. तो यहाँ पे सीधे पूछते हैं, विच इज़ द एक्ट विच अबॉलिश्ड द EIC मोनोपोली ओवर ट्रेड इन इंडिया. ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 1813. इवन इफ दे डू नॉट मेंशन अबाउट द एक्सेप्शन इन द क्वेश्चन, ओवरऑल भी अगर ट्रेड मोनोपोली की बात हो रही है, और ऑप्शन में अगर सिर्फ 13 के अलावा दूसरे एक्ट्स हैं बट 33 नहीं है, तब आप 13 करेंगे. अगर 33 होगा तो आपको वर्डिंग्स पे ध्यान देना होगा, बिकॉज इन दी 33 एक्ट कंप्लीट ट्रेड मोनोपोली वॉज अबॉलिश्ड, ये जो एक्सेप्शन थे ना वो भी ख़त्म किए गए. तो ये आपको ध्यान देना है कि क्वेश्चन का जो वर्डिंग है वो किस सेंस में क्या पूछ रहा है. ठीक है, ये एक चीज़ आप याद रखेंगे. उसके अलावा जैसे एक और क्वेश्चन आया CAC 19 में, बिकॉज दिस इज़ UPSC का क्वेश्चन, तो हम एक बार जल्दी से इस पर बात कर लेते हैं. 2019 में जो बोला गया कि चार्टर एक्ट 1813 के कॉन्टेक्स्ट में विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. ठीक है, तो पहला वही बोला गया कि ट्रेड मोनोपोली जो है वो एंड हो गई, तो डेफिनेटली ये अच्छा, यहाँ पे एक्सेप्शंस बोल दिए गए वेरी क्लियरली, दे मेंशंस अबाउट द एक्सेप्शन TN चाइना, तो डेफिनेटली वो वेरी क्लियर अबाउट द आइडिया, तो आपने इस स्टेटमेंट को सही कर दिया, क्योंकि दिस इज़ वॉट हैपेंड. सेकेंड वॉज, इट एजर्टेड द सोवरेनिटी ऑफ द क्राउन. नाउ दिस इज़ ऑल्सो अ करेक्ट स्टेटमेंट, यू हैव टू रिमेंबर, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपने प्रोविजन्स में पढ़ा होगा, वन ऑफ द मेजर प्रोविजन्स ऑफ दिस एक्ट वॉज दैट इट वॉज वेरी क्लियरली मैंशनड दैट नाउ द सोवरीन पावर इज ब्रिटिश क्राउन. ठीक है, ऑल्दो कंपनी के हाथ में जो भी टेरिटरी के ऊपर का ओवरऑल पावर है वो करते जाओ, लेकिन सबसे सुप्रीम पावर जो सोवरेनिटी है वो किसकी आ रही है, क्राउन की आ रही है. अच्छा, तो ये भी स्टेटमेंट जो है वो हमारे लिए सही हो गया. द थर्ड स्टेटमेंट दे गेव वॉज अबाउट कि जो रेवेन्यू है इंडिया का, दैट वॉज कंट्रोल्ड बाई ब्रिटिश पार्लियामेंट. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, दोज ऑफ यू हैव स्टडीड विल नो कि ये गलत हो जाएगा. और यहाँ पे आंसर क्या था, पिट्स इंडिया एक्ट में ही ये चीज़ हुई थी. अगर आपको याद हो, बोर्ड ऑफ कंट्रोल उन्होंने एस्टैब्लिश कर लिया था, सारा उधर का पावर इनको दे दिया था, और COD को बोला था कि आप कमर्शियल चीज़ें खाली देखेंगे,
बट ओवरऑल द आइडिया वॉज कि ब्रिटिश पार्लियामेंट ने रेवेन्यू को लेकर यहाँ पर अभी कुछ बात नहीं करी है, ठीक है. तो ये दोनों ऑप्शन जो हैं उसमें से सही होने थे. एक तो ये चीज़ हो जाती है 1813 के एक्ट को लेकर के. उसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं जो हम प्रोविजंस में देखेंगे. EIC का जो कंट्रोल था रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन और ये सब के ऊपर, उसको अनटच रखा गया. वो अपने उसी हिसाब से कर रहे थे. एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पे इन्होंने करने की कोशिश की, दैट वाज सॉरी दिस वाज नॉट इन द PYQ, आई एम जस्ट गिविंग एडिशनल पॉइंट्स फॉर दिस एक्ट, विच वॉज अबाउट द वेस्टर्नाइजेशन. इस चीज़ के लिए इन्होंने थोड़ा एफर्ट करने की कोशिश की, और वो क्या था कि जो क्रिश्चियन मिशनरीज हैं, ठीक है, उनको अलाउ करा कि आप इंडिया में आ सकते हो, और वो लाइसेंस लेंगे COD या BOC से, और फिर वो इंडिया में आएंगे वहाँ की चीज़ों को प्रमोट करने के लिए. उससे भी ज़्यादा एक बहुत ज़रूरी चीज़, ये तो खैर ज़रूरी नहीं था बट दे डिड, बट जो एक ज़रूरी चीज़ उन्होंने करी, वेस्टर्न एजुकेशन फैलाने के लिए. ऑल्दो द आइडिया वॉज टू प्रमोट देयर ओन इंटरेस्ट, लेकिन ये इंडिया के लिए बाद में हेल्पफुल रहा, कंसिडरिंग दिस वॉज एन एफर्ट डन इन द एजुकेशन सेक्टर, ठीक है. तो इन्होंने क्या बोला कि 1,00,000 रुपये का अमाउंट इन्होंने साइड करवा दिया, और बोला कि ये जो है वो एजुकेशन के लिए जाएगा. तो दिस वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको याद रखना है 1813 से रिलेट करके. बाकी जो काउंसिल वगैरह उसके पावर को जो है थोड़ा और बढ़ाया गया, ठीक है, और जो काउंसिल्स थे मद्रास वगैरह वाले, बॉम्बे वाले, उनके भी रेगुलेशंस के लिए वही बोला गया कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के सामने सब कुछ डिटेल जो है वो आपको रखना है एट्सेट्रा. वो सारी चीज़ें उतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है. 3-4 चीज़ें जो आपको याद रखनी है, एक तो अबॉलिशन ऑफ ट्रेड मोनोपोली एक्सेप्ट टी एंड चाइना, सेकेंड वॉज वेरी इंपॉर्टेंट अबाउट एजर्टिंग द सोवरेनिटी ऑफ ब्रिटिश क्राउन, थर्ड इज़ क्रिश्चियन मिशनरीज, एंड फोर्थ इज़ वेस्टर्न एजुकेशन के लिए 1,00,000 रुपये साइड कर देना. ये 4 अगर आप याद रखते हो, यू आर गुड टू गो विद द 1813 एक्ट, ठीक है. अच्छा, एक और क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा गया है इसी सेगमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन, कि वाई इज़ चार्टर एक्ट 1813 इम्पॉर्टेंट, और उन्होंने 4 ऑप्शंस दिए हैं. पहला ऑप्शन जो उन्होंने बोला है कि क्रिश्चियन मिशनरी के जो भी प्रोपागंडा थे उसको ये एक्ट बैन करता है, ठीक है, ख़त्म करता है. तो ये तो उल्टा हो जाएगा ना, गलत हो जाएगा, क्योंकि क्रिश्चियन मिशनरी तो आई ही थे इस समय चीज़ें प्रोपोगेट करने के लिए. तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग. देन उन्होंने बोला कि इंडस्ट्रियलाइजेशन को इम्फेसिस किया गया इंडिया में, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन पे तो हम अभी कोई बात ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है. थर्ड उन्होंने बोला फाइनेंशियल एलोकेशन फॉर एजुकेशन ऑफ द इंडियन पीपल, ये तो हमने अभी देख लिया दैट येस दिस इज़ करेक्ट, बिकॉज 1,00,000 रुपी जो है वो साइड की गई थी, सो दिस इज़ करेक्ट. एंड देन अप्रूव्ड द रेलवे सिस्टम डेवलपमेंट, इसका भी अभी कोई मतलब नहीं है क्योंकि हमने रेलवे को लेकर यहाँ कोई बात की नहीं है. तो ये भी एक पैटर्न है जिस पर सवाल पूछा जा सकता है. सो 1813 को लेके ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको पता होने चाहिए, ठीक है. नाउ 2 ऑफ आर एक्ट्स आर लेफ्ट, 1 इज 1833 एंड 53, एंड देन विल सी सम ऑफ द मिसेलेनियस क्वेश्चंस, जिसमें मैच में ये सारे एक्ट्स के मिले जुले होते हैं. तो असली कहानी तो वहाँ पर होती है, सेपरेट तो स्टिल यू कैन ट्राई एंड रिमेंबर, बट द रियल क्वेश्चन लाइज वेन यू हैव टू लाइक सी एंड कंपेयर की दोनों में क्या है. तो फिर हम उसको देखते हैं, ठीक है. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.